आज कोई चला है गलियां रे ये बंधन आई होप यू ऑल आर गुड। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन उम्मीद मुझे यह है कि आप तमाम लोग जो हैं वो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इतने दिन आई एम सो सॉरी, आई वॉज वेरी बिजी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ हाजिर हैं। और आज भी यकीनन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसको सुन के कुछ ना कुछ आप मोटिवेट होंगे और कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश करेंगे। वैसे जब बात होती है लिसनर्स एंड व्यूअर्स उसकी कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करने की बात होती है और कुछ अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं कामयाब होने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली कामयाबी जो है वो किस बला का नाम है, कामयाबी जो एक्चुअली है क्या, इंसान कैसे कामयाब हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा शेफ इकबाल आ गए हैं और आई थॉट कि आप नहीं आएंगे, लेकिन अब आप आ गए हैं। चलें जी, तो इकबाल ज्वाइन करेंगे लेकिन इस गाने के बाद। तो बात जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, एक सक्सेसफुल इंसान जो है वो कैसे बन सकता है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा वो स्टोरी किसकी है, बहुत सारे लोगों को जो है एनिमल्स का शौक होता है, वो अपने घर में भी रखते हैं, पालते भी हैं, कुछ पैट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं कि जो वाकई उनसे जो है कामयाबी को मंसूब किया जाता है। तो ऐसे ही दो जानवर जिसमें खरगोश और कैंगरोज, ठीक है, तो उनके हवाले से एक छोटी सी स्टोरी है। तो एक खरगोश था और एक कैंगरो थी, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है कि कैंगरोज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होते। तो ये खरगोश जो है ये और कैंगरोज आपस में दोस्त थे, और उन्होंने जो है हुआ ये कि दोनों जो है उन दोनों की प्रेगनेंसी एक साथ हुई, और खरगोश जो है अगर आप देखें तो एक के साथ आपको 30-30, 40-40 खरगोश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कैंगरोज जो हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में एक फ़ीमेल खरगोश रहती थी और एक फ़ीमेल कैंगरो रहती थी, दोनों की आपस में दोस्ती थी और दोनों जो है बड़े ऑफकोर्स दिलचस्प जानवर हैं। तो खरगोश जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 31 दिन के अंदर उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, और जबकि कैंगरोज की बात की जाए तो कैंगरोज जो हैं उनकी प्रेगनेंसी में जो है उसको 17 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, 17 महीने। अच्छा हुआ ये कि दोनों एक साथ हुई प्रेग्नेंट, लेकिन उसके बाद जो है खरगोश के इतने बच्चे और कैंगरोज जो हैं उसमें 17 महीने का एक लंबा टाइम पीरियड। तो 31 दिन के बाद जो है खरगोश, लेरी खरगोश जो है वो कैंगरो के पास आई, वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा बेबी अभी तक नहीं हुआ? तो वो ये कहती है कि नहीं, अभी कुछ टाइम है, उसके बाद 31 दिन गुजरते हैं, फिर वो दूसरे और 9-10 बच्चे दे देती है, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है उसके 9 या 10 बच्चे होते हैं उसके बाद दोबारा। तो खरगोश आपने देखा होगा दुनिया में आपको हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कैंगरोज जो होते हैं वो कम ही नज़र आते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये 17 महीने ये खेल चलता रहा, और फिर जब वो तीसरी दफ़ा उसके पास आई फीमेल खरगोश, वो कहती है कि भाई मैं ज़्यादा बेहतर हूँ तुमसे, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, या तुम ज़्यादा बेहतर हो, तुम ज़्यादा पावरफुल हो, देखो मैं तो हर 31 दिन बाद बच्चे दे देती हूँ, पहली दफ़ा में मैं 9 या 10 बच्चे देती हूँ, जबकि तुम्हारे जो है वो 17 महीने बाद प्रेगनेंसी जो है तुम्हारा बेबी जो है वो आता है, तो ऐसा क्या सिलसिला है? तो अब उस कैंगरोज ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि रिलेट करता है आपकी कामयाबी से। तो खरगोश ये कहती है, पूछती है उससे और बोलती है कि बताएं भाई कौन ज़्यादा जो है पावरफुल है और कौन ज़्यादा जो है अच्छा है, तुम ज़्यादा अच्छी हुई या मैं ज़्यादा अच्छी हुई? तो वो जो कैंगरो है, लेडी कैंगरो, वो जवाब देती है कि देखो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो खरगोश के बच्चे हैं जो कि दुनिया में हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन जो कैंगरो का बच्चा होता है ना वो सिर्फ एक ही जगह पे नज़र आता है, वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा आपको कहीं नहीं नज़र आएंगे कैंगरोज। और कैंगरोज जो हैं वो रेयर होते हैं, थोड़े होते हैं, नायाब होते हैं, कम होते हैं, कीमती होते हैं, इसलिए उनको पैदा होने में टाइम लगता है, उनको दुनिया में आने में टाइम लगता है, उनको अपने आप को मनवाने में, कदम से कदम मिलाने में टाइम लगता है। तो इसी तरह बात की जाए तो इंसान जो है एक कामयाब इंसान, उसका जो रेशो होता है या तो 1% होता है या 99% होता है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में जहाँ आपको बहुत सारे खरगोश मिलेंगे, लेकिन जो कैंगरोज मिलेंगे वो आपको एक ही मिलेंगे, रेयर जो मिलेगा, जो मुनफरिद होगा। तो अगर आप अपने आप को मुनफरिद बनाना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं,
तो आपको यूनिक बनना पड़ेगा, आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है। कैंगरूज़ जो ऑफ कोर्स रेयर हैं, मुनफरिद हैं, कम हैं, तो उनके बनने में भी टाइम लगता है, उनके ग्रो करने में भी टाइम लगता है, और साथ साथ जो है जब वो एक भरपूर वो जानवर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, उसके बाद जो है 17 महीने बाद उनकी जो है उनका ज़हूर होता है, ठीक है। तो इसी तरह इंसान जो है वो भी अगर देखा जाए तो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में, हम तमाम लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, तो उसका जो सक्सेस रेशियो है या तो अगर 1% है या फिर 99% है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जो है कैंगरूस बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करता है वही ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो ये छोटा सा एक स्टोरी समझ लीजिए इसको, या गाइडलाइन समझ लीजिए इसको, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, क्योंकि हमें बहुत सारे हार्डल्स को फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में, लेकिन कामयाब होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम कैंगरूज़ की तरह दुनिया में मुनफरिद नज़र आ सकेंगे। इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।